असल माई यूट्यूब गाइस कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे खैरियत से होंगे मज़े में होंगे वेलकम बैक टू माय चैनल जूनी किचन एंड व्लॉग्स जी गाइस आज अपने व्लॉग का आगाज कर रही हूँ जी मैं सहरी से और है जी आज उनतीसवीं शहरी और कोई पता नहीं है कि अब आगे रोज़ा होगा या नहीं होगा तो जब अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अनाउंसमेंट हो चुकी है कि जी कल तीसवा रोज़ा होगा अल्हम्दुलिल्लाह लाला मैं एक और जुम्मा आ, मिल गया है रमज़ान के महीने में तो वैसे भी मैं चाह रही थी कि यार एक रोज़ा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है बरअल जी हम अपने ब्लॉग की तरफ वापस आते हैं यहाँ पर मैंने हस्बैंड से कहा कि चले जी आज कुछ बाहर से लेकर आए निहारी वगैरह तो हम आज निहारी से अच्छा सा जो है ना हैवी सी आज रफ्तारी करेंगे तो हस्बैंड लेके हैं जी वारिस ने यकीन करी इसका बहुत अच्छा था और टाइम काफ़ी हो चुका था दो ढाई हो चुके थे वो कहते कि जो बनी वाली साइड निहारी मिलती वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहाँ से मिलना क्योंकि वो बारह साढ़े बारह बजे ख़त्म हो जाती है मतलब इतना क्राउड होता है वहाँ पे तो ये कमर्शियल मार्केट से फिर जो है ना वो वारिस निहारी लेकर आए थे लेकिन यकीन करें बहुत अच्छा टेस्ट है इसका बहुत ज़ायक़ा था तो हम लोग यहाँ पे भी चाय शाय बना रहे हैं और तीन से चार कप में चाय बनाऊँगी तो आज हम करेंगे जी ने के साथ सहरी और मौसम यकीन करें इतना अच्छा हो रहा है आजकल इतना अच्छा हो रहा है कि लग रहा है जैसे जनवरी और फरवरी का महीना ऐसे फील हो रहा है और अलमदिल्ला मार्च जबकि गुजर चुका है और अप्रैल भी अब तकरीबन गुजरने वाला है और वैसे जो है ना हर साल बहुत गर्मी पड़ती है इस महीने में और रमज़ान थोड़े से ना डिफ़िकल्ट से रोज़े फ़ील होते हैं लेकिन इस दफ़ा तो यकीन करें बिल्कुल पता भी नहीं चला कि रोज़े कैसे गुजरे इतने चुटकी बजा के गुजरे कि बस पता ही नहीं चला क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था रोज़ा लगा नहीं प्यास लगे नहीं तो इस वजह से अच्छा एक से दो दिन रह गए थे ईद में और यकीन करें यकीन करें कि मेरी कोई तैयारी नहीं थी पता नहीं इस दफ़ा मेरा दिल ही नहीं कर रहा मार्केट जाने का कहीं शॉपिंग वगैरह करने का वरना इस टाइम पे औरतें ना बड़ी पुरजोश हुई होती है मार्केट जाने के लिए शॉपिंग करने के लिए लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा और मैंने कोई सेल्फ केयर वगैरह भी इस कुछ भी नहीं किया था सोच रही हूँ कि यार अब कर लो एक दो दिन रह गए हिम्मत पकड़ो और यकीन करें इतने काम है इतने काम है कि जो जिस दिन ये मैं ब्लॉग शूट करी उस दिन मैं जल्दी उठ गई थी वो सोचा कि आज फशल घर पे किया जाए क्योंकि मैं अक्सर ना फशल घर पे ही कर लेती हूँ क्योंकि बाहर जाओ ना और बहुत टाइम लगता है पॉलर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो हमेशा मैं डरमा शाइन का जो है ना ये फेशियल किट मैंने मंगवाई हुई थी तो मैं यही करती हूँ क्यों नहीं कि मैं ब्लीच कर लेती हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो क्या ज़रूरत है बाहर जा इतने पैसे ज़ाया करने की और सबसे बड़ी बात है कि टाइम वेस्ट करने की और मैं यहाँ पे अपने लिए ब्लीच बना रही हूँ पहले मैं ये कैप्सूल डालूंगी वाइटनिंग कैप्सूल मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे दरा से और ये ब्लीच डेवलपर और इसका पाउडर डाल के मैं अच्छी सी ब्लीच बना लूँगी पहले मैं ब्लीच अप्लाई करती हूँ फेस पे फिर जो है ना मैं जो ये फेशियल किट है इसका हर एक स्टेप मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ और रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है और आजकल तो पार्लर में इतना रश है मैं गई थी ला, अभी जब मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ उसमें पॉलर गई थी आईब्रोज बनवाने के लिए यकीन करें कि मैं पूरे दो घंटे इंतजार करती हूँ और मेरा बीबी वहाँ पर शूट कर दिया कि भई आप लोगों ने बनानी है कि नहीं बनानी मतलब इतना क्राउड है और ये नहीं कि एक अच्छे पॉलर में या एक मतलब कोई सस्ते से पॉलर में हर पॉलर का यही हाल है तो बेहतर है कि मैं ये कोशिश करती हूं कि मैं घर पे हर काम कर करूं अपने टाइम से अपनी मर्जी से तो मुझे बड़ा आसानी रहती है इस काम में तो मैं यहां पे अपनी ब्लीच लगाई फेस पे भी मैंने लगा दी और अपने हाथों पे भी लगा दी है तो मैं अब अच्छे से हाथों को वॉश कर लूँगा इसके बाद मैं सबसे पहले क्लेंजर इस्तेमाल करूंगी शाइन का और ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और इनकी अपनी जो वेबसाइट है वहाँ से तो बहुत अच्छा इसका मुझे रिजल्ट मिला था मेरा ये एक्सपायर होने वाला है एक दो महीने तक तो मैं इन दोबारा किसी और कंपनी का ट्राई करूंगी क्योंकि कुछ डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करना चाहिए और इसको मुझे यूज़ करते हुए तकरीबन दो साल हो गए हैं तो तीन साल तक आई थी इसका जो है ना वो होती है लास्ट डेट होती है तो बस एक दो महीने रह गए उसके बाद मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँगी वैसे भी इतना ज़्यादा नहीं है थोड़ी थोड़ी सी ना ही ट्यूब्स बची हैं तो यहाँ पर जो मैं क्लिनजर फर्स्ट अप्लाई करूँगी और हल्का सा बस ड्रॉप दो तीन ड्रॉप ले लूँगी पानी के और अच्छा से क्लेंस करके तीन से चार मिनट के लिए मैं रब करती हूँ फेस पे भी हाथों पे भी क्योंकि जो पॉलर वाली होती है ना वो बहुत टाइम लगाती हैं पंद्रह मिनट बीस मिनट एक एक क्रीम पे लेकिन घर पे मुझे नहीं लगता कि इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है तो तीन से चार मिनट काफ़ी होती है इसके बाद ये मैंने ले लिया है स्क्रबर और ये इनका पीच स्क्रबर है और इसके ये क्रंच भी होते हैं क्रंच बोल रही हूँ ये होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं पीच के तो ये बड़ा अच्छा जो ना वो करता है स्किन को साफ करता है इसके बाद ये मसाज क्रीम है और ये वाली मसाज क्रीम है ये मैं अप्लाई करूँगी हर ट्यूब पे जो भी ट्यूब को जब भी यूज़ करती हूँ तीन से चार मिनट में फेस पे अच्छे से रब कर लेती हूँ इसके बाद ये मेरे पास है जी स्किन पॉलिशर है ये छोटे छोटे से इसमें ना पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन से डेड स्क, सेल्स को रिमूव करते हैं और आपकी स्किन को ब्राइटर करते हैं और जो डेड स्किन होती है उसको भी रिमूव करते हैं और स्मूथ से देखिए मैंने अभी सिर्फ दो तीन यूज़ किए तो कितना अच्छा रिजल्ट आया तो भी दो तीन स्टेप रहते हैं तो इसको करने के बाद अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी मतलब फ़ेस पे मैं अच्छे से रब करूँगी मसाज करूँगी उसके बाद सब क्रीम्स जो है ना मैं अच्छे से वॉश करूँगी और ये तकरीबन सारी क्रीम्स मैं मैंने अप्लाई कर ली थी चार ट्यूब्स हैं इसकी और एंड में जो होता है ना मास्क होता है तो मास्क एंड में लगा के मैं इसको ड्राई होने के बाद फिर अच्छा सा वॉश कर लूँगी इसके तीन चार पार्ट्स हैं जिसमें जो है ना फेस स्क्रब आ जाता है और फेस क्लिनजर आ जाता है और इसमें आ जाता है स्किन पॉलिशर आ जाता है और फोर्थ में मसाज क्रीम आ जाती है और लास्ट में हम ये फेस लगा देंगे मास्क ये बेसिकली ना फेस को बहुत ज़्यादा ठंडा करता है कूल cool रखता है ताकि जो हमने ब्लीच इस्तेमाल की है उससे हमारी स्किन अगर थोड़ी सी बर्न हो जाती है हीट अप हो जाती है तो इससे थोड़ी ठंडी हो जाती है और फेस और को रिलीफ मिलता है बरअल जी अफ्तारी मैंने फिर रिकॉर्ड नहीं की कुछ खास तो कुछ था ही नहीं बनाने के लिए क्योंकि नॉर्मल से अफ्तारी बनाई थी फ्रूट चाट दही बलिन पकौड़े क्योंकि अब लास्ट के जो है ना चल रहे हैं रो, रोजे तो बस दिल चाहते बस दिल काम मुकाने वाला जो ना वो काम करे तो यहाँ पे हम आ गए थे जी शॉपिंग के लिए यहाँ पे जो है ना बच्चे बड़े उदास हो रहे थे कि इनको मार्केट क्यों लेके आए क्योंकि इनके मैंने लेने थे जूते और इनको तो मैंने लाना था मार्केट लाजमी लेकिन यकीन करें कोई बच्चा मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं था मैं सारी से बोल रही थी सारी तुम कितने मासूम लग रहे हो तो वो हंसना शुरू हो गया और यकीन करें बारिश हो रही थी और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था लेकिन ये कि हमारी जो ना शॉपिंग में थोड़ा सा जो है ना खलल डाल दिया था बारिश ने लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था बहुत मुश्किल हो गई थी जाहिर सी बात है इस तरह बारिश हो रही है शॉपिंग करना मुश्किल होता है ओपन जब शॉप में तो मुश्किल नहीं होती जब बाहर निकलते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर हम पहले आरे सबकी सैंडल देंगे और कीमतों को तो अपना ही पूछें जो भी मेरा भी व्लॉग देख रहा होगा कोर्स शॉपिंग कर चुका होगा तो कीमतों का आपको अंदाजा हो चुका होगा तो यहाँ पे सबसे पहले हम बाटा पे आए हैं तो मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आरिप को दिखा रही हूँ अच्छा वैरायटी बहुत अच्छी थी इनके पास इतना मुझे कलेक्शन अच्छी लगी है जेंट मैं जेंट्स की बात कर रही हूँ और यहाँ पे मैं रब को डिफरेंट बता रही हूँ लेकिन रिब की जो ना फेस से पता चल रहा कि इसको पसंद नहीं आ रही तो पहले तो मैं कोशिश करती होती थी आज से तकरीबन तो साल दो पहले के मैं बच्चों को अपनी पसंद से दिलाऊं लेकिन आजकल के बच्चे वो अपनी मर्जी करना चाहते हैं तो मैं कहती हूँ चले ठीक है यार अपनी मर्जी से पहन ले कोई बात नहीं तो मैं फिर भी थोड़ा सा इंटरप्ट करती हूँ उनके बीच में कि नहीं अरब ये नहीं ले लो ये ले लो लेकिन इनके बाबा ने उनके फुल सपोर्ट इनके साथ हो नहीं जो बच्चे कह रहे हैं उन्होंने पहननी है उनको देखने दो तो मैं कहती हूँ अगर हम बोलते भी है ना कि ये चीज़ ना लो तो इन्होंने फिर भी अपनी मनमानी करनी होती नहीं हमने ये लेनी है ये लेनी है तो बरल फिर मैंने इन पर छोड़ दिए जैसे जूनी ने मेरी मर्ज़ी की ली थी दौरान ने कि मामा मैंने जो ना जो आप कहेंगी मैं वो ले लूँगा तो यहाँ पर मैं जोरान की सैंडल देख रही हूँ बस कोई पसंद नहीं आई तो ये सारे जो है ना ये पुराने स्टाइल थे ये वाले जो बच्चों के हैं ये सारे मेरे जो ना ये वाले डिज़ाइन बच्चे पहन चुके हैं और खेड़ियाँ में ले लेने का मूड नहीं है क्योंकि बच्चे वैसे बस ईद के फर्स्ट डे खेड़ियाँ पहनते हैं तो उसके अलावा पहनते भी नहीं है तो फिर यहाँ पे मैं जोरान की सैंडल देख रही हूँ और मुझे वो कॉर्नर वाली जो सैंडल है जो भी मठाऊँगी ये मुझे पसंद आई है तो दौरान ने तो पहले कहा मम्मा ये वाली नहीं लेकिन जब मैंने कहा बेटा ये अच्छी लग रही है न्यू स्टाइल है और इससे कलर भी बहुत ना रिफ़्रेशिंग से लग रहे हैं तो फिर जरान कहता हैं ठीक है मामा मैं आपकी बात मान लेता हूँ तो यहाँ पे जो है ना सब देख रहे हैं और हंस रहे हैं कि मामा इतने पुराने डिज़ाइन रखे हुए हैं, हैं बच्चों में और ये सारे जो है ना ये पहन चुके हैं तो बस यहाँ पर हम अब मिलकर सब शॉपिंग करें जूतों की क्योंकि कपड़ों वगैरह की तो मैं काफ़ी हद तक कर चुकी थी और नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह मैं अपनी सारी जो शॉपिंग है अपनी और बच्चों के दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया अपना क्या क्या खरीदा है बच्चों का क्या क्या खरीदा है और अल्हम्दुलिल्लाह सारी शॉपिंग डन हो चुकी है और यहाँ पे मैं अपने सैंडल देख रही थी जब मुझे सैंडल बड़ी अच्छी लगी लेकिन ये मैंने ली नहीं है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्यों नहीं ली जबकि हस्बैंड ने कहा था ले लो ना Uh, मुझे अच्छी भी लग रही थी पर मेरा मूड था कि मे बी मैं किसी और शॉप पे जाऊँ मुझे कोई और पसंद आ जाए तो <laughs> वो कहते हैं लालच बुरी बला है तो दूसरों के चक्कर मैंने ये भी छोड़ दी बहाल मैं जाऊँगी तो मैं ले लूँगी और बहुत ईजी जूता था घर नॉर्मली पहनने के लिए जितना ईजी जूता होगा उतना आपको जो ना रिलैक्स फील होता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा लेकिन मैंने पता नहीं क्यों नहीं ली और प्राइस भी बड़ी कन्वीनियंट थी इसकी इतनी महंगी भी नहीं थी कि मैंने उस वजह से छोड़ दी हो लेकिन ये कि बहरहाल चले नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो इंशाल्लाह ज़रूर लूँगी बहुत महंगाई होने के बावजूद भी जी मार्केट में बहुत रश था क्योंकि लोग जाहिर सी बात अब ईद उन्होंने कुछ ना कुछ तो परचेज़ कर रहे हैं जैसा कि हम लोग निकलेंगे फाइनली हम लोग कुछ ले लें और जो ना यहाँ पर मैं अपने लिए भी सैंडल या जूता या खूसा कुछ भी देख रही थी तो मेरा दिल यही था कि मैं खूसा लूँ क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी सी लंबी है तो मैं कहती हूँ कि मेरे लिए प्लेन जूता ज़्यादा अच्छा लगता है जबकि इवन कि मैं शादी से पहले लॉन्ग पहनती थी मतलब कि लॉन्ग हील पहनती थी पेंसिल ही या इस तरह लेकिन अब मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं रही और मैं कोशिश करती हूँ कि फ़्लैट जूता रहूँ तो खूसा तो मैंने लाजमी ले लिया है और सैंडल यकीन करें मैं मेट्रो स्टाइल और हर हर ब्रांड पर घूम पे आ गई थी मुझे जूता पसंद नहीं आ रहा था और हस्बैंड भी साथ है मुझे ये भी था कि वो शोर करेंगे यार तुम लोग कितना टाइम लगाते हो कितनी सिलेक्शन में तो बस मैंने ये फिर फाइनल किया कि मैं जो है ना अपना एक जूता भी ले लेती हूँ मतलब खूँसा मैंने भी पसंद किया है और एक जो है ना जूता मैं लूँगी ईद के बाद क्योंकि जो मेरा सेकेंड डे का ड्रेस है उसके पास उसका उसके पास नहीं उसका जूता जो है ना मेरे पास ऑलरेडी वाइट में मौजूद है तो फर्स्ट डे का चलो मैंने खूसा लिया है वो मेरा ड्रेस है वो इन शाला आपको सारी डिटेल कल के ब्लॉग में बताऊँगी तो जो है ना फिर मैंने खूसा ले लिया एक और अपनी पसंद का जो मुझे अच्छा लग रहा था और जूता मैंने जो है ना वो छोड़ दिया नेक्स्ट डे पे अब देखिए जूता बहुत प्यारा लग रहा है लेकिन इसकी हील जो है ना वो ब्लॉक हील थी तो बस मुझे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता कि मैं इतनी ज़्यादा हील नहीं पहन सकती ज़्यादा से ज़्यादा हाफ इंच या एक इंच की ये जो हील्स थी दो दो ढाई ढाई इंच की हील थी तो मुझे बड़ा मसला होता है फिर चलने में मतलब ये कि कहीं जाना हो आना हो वैसे तो आप पार्टी वेयर में पहन सकते हो लेकिन नॉर्मली आप उसको कहीं कहीं जाना हो कहीं किसी घर हॉस्पिटल कहीं मार्केट कोई इस तरह तो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे जूते कैरी करना एनीवेजी anyway, जल्दी जल्दी हमने सारी शॉपिंग की क्योंकि बारिश बहुत तेज थी और हमने कहीं लाजमी जाना था किसी जगह पे और वहाँ के लिए भी हम लेट हो रहे थे तो बस ये मैं जूते ही ट्राई कर रही हूँ लेकिन डिस्प्ले में अच्छा लग रहा था लेकिन पहन के मुझे कुछ खास नहीं लगा एनी anyway, वेज मैंने अब जो सेकंड डे की सैंडल है वो मैंने पेंडिंग कर दी इंशाल्लाह ईद के बाद ले लूँगी और उस दिन मैं अंदर से यूटिलाइज़ कर लूँगी जो मेरे पास अंदर ऑलरेडी मौजूद है तो अब हम घर जा रहे थे बारिश बहुत तेज़ हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह सारी शॉपिंग डन हो चुकी है बच्चे भी साथ है हैं क्योंकि जूते ख़रीदने के लिए बच्चों का साथ तो होना लाजमी होता है वैसे तो हस्बैंड और मैं ही कहीं हमने जाना हो या शॉपिंग करने तो हम इजीली कर लेते हैं तो अब हम घर जा रहे हैं घर जाते साथ देखिए जी ओले बरस रहे हैं की हाजिरी के साथ ही और इस ठंडे ठंडे मौसम की आमद के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुझे दो में याद रखिएगा अपना बहुत ज्यादा क्या रखिएगा ओके जी टेक केयर अल्लाह हाफि चाटा बाय